तो दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि बिहार में जो कोरोना का मामला चल रहा है उसी बीच इस कोरोना काल में आप सभी को सरकार के तरफ से रोजगार और भोजन का मुहिम चलाया जा रहा है, जहां पे आप सभी को रोजगार भी मिलेगी और भोजन का व्यवस्था भी किया जाएगा। ये रोजगार आप सभी को संविदा पर बहाली किया जाएगा। ये रोजगार आपका संविदा हो गया या मनरेगा के तहत, या आपको जो भी है व्यवस्था उसके तहत बिहार सरकार आप सभी को प्रोवाइड करेगी। तो ये नई योजना से जॉब मिलेगी, इसके लिए क्या क्या करना होगा ये सारी बातें बताने आ चुका हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा जो बिहार सरकार के द्वारा माननीय सीएम जो है नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने जारी किया है कि लॉकडाउन के बीच रोजगार और खाने पीने की सरकारी इंतजाम की समीक्षा की जाए। दोस्तों बात बिल्कुल सही है, नीतीश कुमार के द्वारा ये समीक्षा किया जा रहा है, जहाँ पे आप सभी का रोजगार और आप सभी को खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा है। मतलब कि जो लोग का रोजगार छूट गई है उन सभी को बिहार सरकार रोजगार देगी, साथ ही उन सभी को भोजन के लिए उनको अनाज भी प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे दे सकते हैं। चलिए इससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल में बिहार में आने वाली भर्ती से रिलेटेड तो वीडियो बनाते रहता हूँ, साथ ही अभी जो स्कीम चल रही है या कोरोना के कारण जो भी आपका सहायता किया जा रहा है उससे रिलेटेड भी अप टू डेट वीडियो देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं ये सारा न्यूज प्राप्त करना तो प्लीज मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसी बीच अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर देना। दोस्तों देखते हैं कि हर गरीब को मिलेगा काम व भोजन। सीएम का कहना है कि जितने भी गरीब हैं सभी गरीब को रोजगार मिलेगी और काम मिलेगी और भोजन मिलेगी, काम रोजगार वो बराबर ही है, ठीक है। तो नीचे देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगा है, इस दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम हो रहा है, सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है। जिले में सामुदायिक किचन ठीक से चले, वे गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं सामुदायिक किचन की समीक्षा कर रहे थे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर नीतीश कुमार खुद ही पूरा समीक्षा कर रहे हैं, रोजगार का जो क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है उस पर समीक्षा किए हैं, फिर आप सभी के लिए भोजन के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है उस पर समीक्षा वो खुद ही किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ यहाँ के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे, इस बार भी ऐसा हो, ग्रामीण इलाके के साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक मिले, साथ निश्चित पार्ट टू के तहत चलाई गई योजनाओं उसको मंजूरी दी गई है। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पे एक योजना चलाई गई है, ये योजना के तहत जितने भी लोग हैं जो गरीब हैं उन सभी को सरकार बिहार सरकार रोजगार देगी। और बताता हूँ कि पिछले साल भी बिहार सरकार लॉकडाउन के कारण मनरेगा के तहत नौकरी दी थी, इसी तरह इस बार भी आप सभी को फिर से सरकार आप सभी को जॉब देगी, रोजगार देगी। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के साथ अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं, और इसी योजनाओं के तर्ज पर सरकार के द्वारा कई और कार्य यानी कि योजनाएं चलाई जा रहे हैं जिसके तहत आप सभी को कार्य मिलेगी, मतलब कि रोजगार मिलेगी। माइकिंग से गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी, और माइकिंग के द्वारा गांव-गांव तक जितने भी लोगों को रोजगार की जरूरत होगी उन सभी को सहायता दिया जाएगा। तो ये था जहाँ पे सरकार बिहार सरकार के द्वारा बताया जा रहा था, जहाँ पे पूरी तरह से सीएम माननीय सीएम जो नीतीश कुमार है वो समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के गरीब निर्धन एवं असहाय के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से संचालन हो, किसी को भी असुविधा ना हो। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने मनरेगा व रोजगार की कार्य योजना, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने शहरी क्षेत्रों में रोजगार के उपाय व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने समुदाय किचन के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों यहाँ पर मेनली ये बात सामने निकल के आ रही है कि पूरी तरह से आपका रोजगार पर विचार किया जा रहा है, और आपका जो भी लोग हैं गरीब लोग हैं उन सभी लोग को कोरोना के कारण लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसके कारण वो सभी लोग भूखे रह रहे हैं, तो उनपे खाने का भी समीक्षा जो भी आ रही है उसको भी यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। जल्द से जल्द आप सभी को मिलने वाली है रोजगार, इस रिलेटेड जो भी आगे न्यूज आएगी तो मैं बता दूंगा। तत्काल अभी तक यही न्यूज था, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दो, चाहते हैं ताकि न्यूज अपडेट रहना तो प्लीज मेरे चैनल से बनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।